अरे नफीसा, रिमशा को बताया नहीं था क्या? अभी तक उसका गुस्सा ही नहीं उतरा। रिमशा प्लीज रो नहीं, मेरे दिल को कुछ होता है। मामा, आपने भी मुझसे झूठ बोला। नहीं मेरी जान, मैंने तुम्हें सिर्फ उस पेन से दूर रखने की कोशिश की है जो पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूं। तो वो कोई गेम प्ले नहीं था। That was real? हाँ, और ये पर्दा आज भी पड़ा रहता अगर मैं तुम्हें शहर भेज देती। एक ना एक दिन तो तुम्हें सच का पता चल ही जाना था, तो आज ही क्यों नहीं? ये मेरा फैसला था। तुम्हें शौक तो लगा होगा, लेकिन ये उस सदमे से कम है जो तुम्हें किसी और के बताने से होता। पापा ने ऐसा क्यों किया है? मामा क्यों किया? लो जी, पूरे गांव में ढंडोरा मचा हुआ है और अपने ही लोगों को खबर नहीं है। आफरीन है भाई आफरीन। बी जमालो बनकर नहीं, घर वाली बनकर सोचोगी ना तो समझ आ जाएगी। और अगर तौफीक नहीं है ना तो इधर आ, मैं बताती हूँ। अगर माई साहबा की बात समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ ले। सही जवाब दूंगी। गारंटी के साथ। पूरा मेहराबाद ये भी देख चुका है कि ये शादी किन हालात में हुई। पहली बीवी की हैसियत से फरियाल का इस शादी को कबूल करना कोई मामूली बात नहीं, ये तो समझ सकती है ना आप। अरे रमशा उसकी बेटी है। हमसे ज्यादा उससे फिक्र होगी। कहीं उसकी मासूम बेटी के जहन को ठेस ना लग जाए। मेहरबानी करके अब सारे सुधर जाओ रिश्तेदारों। किसी के जख्मों को कुरेद कर खुद सवाए नफरत के कुछ हासिल नहीं होता। मुझे माफ कर दो नफीसा। रमशा, ओपन द डोर। इज शी ओके? लेट मी टॉक टू हर। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मुराद, प्लीज। शमा, शमा जी, तुम रिमशा को संभालो।
तुमने तो कहा था कि तुम उसे भेज दोगी। वो नहीं जाना चाहती थी तो मैं उसे कैसे फोर्स करती मुराद? लेट्स फेस इट, ये जो कुछ भी नीचे हो रहा है ये कोई पार्टी या थिएटर में चलने वाली फिल्म नहीं है जो थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी। इट्स रियलिटी मिस्टर मुराद, लेट हर फेस इट। हालत देखी तुमने उसकी? उसने अपनी पूरी जिंदगी मुझसे इस किस्म का बिहेव नहीं किया। और जो मुझ पे गुजरी, सो गुजरी। मेरा रिएक्शन शायद इससे बहुत सख्त होता, लेकिन आज मैं यहां जो तुम्हारे सामने खड़ी हूं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिमशा है। तुम्हें उसे देखकर आज बहुत दुख हो रहा है, उसकी वजह भी सिर्फ तुम हो मुराद। अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों को मजीद तकलीफ ना हो, लेकिन फरियाल प्लीज मुराद, प्लीज। मजेदार है। अब बस करें ना, बस इतने। पाए लागू माई साहबा, ऐसे ही कहते हैं हमारे यहां। अगर तुम वहां होती हमारी हवेली में, पर यहां तुम्हारा दर्जा सेकंड क्लास सिटीजन से ज्यादा नहीं है। तमाशा देखा तुमने, ये रोज होगा, वो औरत तुम्हें जीने नहीं देगी, कभी खुश नहीं रहने देगी। कैसे मर्द की बीवी बनके तुम कैसे खुश रह सकती हो जो एक जवान बेटी का बाप भी है? फिकर ना हट रानी साहबा, फिकर ना हट। फिकर ना हट।
भाई साहब। कमरा दिया तुम्हें इन लोगों ने, इतना घुटन ज्यादा कमरा इस कबीली की बहू के लिए, लानत है इनके ऊपर। माई सेब, माई सेब क्यों हो गया? माई सेब, मैं पानी लेके आती हूँ। माई अभी तो आपके जीने के दिन आए हैं बड़ी भी, दूधो नहाने के, पूतो फलने के, अभी से आप अपनी जान के दुश्मन क्यों बन गई हैं? आज तो बड़े फूल छड़े हैं तुम्हारी जुबान से। फूलों से तो मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है नफीसा बेगम, सिर्फ कब्र पे ही फूल बरसे तो क्या अंबर से? दिमाग से बाजार की खूब नहीं गई अभी तक। बड़ी बात है भाई, मैं फूलों की बात कर रही हूँ और तू बाजार की बात कर रही। खैर चलती हूँ माई साहब, मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? हुआ क्या था? वही रोगनी खाने खाने से कहाँ बाज आते, कितने दिन तक कंट्रोल रखा, बस मौका मिला तो शुरू हो गई। और चांदी तुम बिना किसी काम की औरत नहीं। रिमशा से हुई बात? चांदी तुम खड़ी क्या देख रही हो? पिलाओ सूप तुम मम्मी को। अरे ये तुम्हारे करने के काम है। और फिरदौस लेकर जाओ रानी को, चेंज करवाओ ये सूट, पता नहीं कब से ड्राई क्लीन हुआ है, ज्यादा देर पहनेगी ना तो यही ना बीमार पड़ जाए। अब बताओ। माँ जी मैं तो आपके कहने पर मुतमईन हो गया था। वो इत्मीनान तो जाता रहा, अब क्या करोगे? बात करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी बंदे अली, बंदा काबू करना है। बंदा शाह मुराद बंदा नहीं है सरकार, जिन है। जिन तो हम क्या हैं, कुत्ते बिल्ले हैं, हैं? सरकार हमारे लिए तो वो जिन है और आप
आप तो जिन को काबू करने वाले लोग हैं सरकार, मगर ये जिन खुद काबू करना हमारी रेपुटेशन के लिए चंगा नहीं है। तो जिन काबू करने के लिए मैं तुम्हें वो बोतल देता हूं जिसमें जिन आसानी से कैद हो सकता है। सरकार, ये कौन सा तवीज लिख दिया है? इसके नीचे क्या लाइटर लगा कर पढ़ू? तो इसे पढ़ना नहीं है, लिखना है। क्या मतलब? खुद तुम लिखोगे। शाह मुराद के खिलाफ पर्चा काटो, बिलाल के अगवा और कत्ल का। जी जी, और ये जो नीचे नजर आ रहा है ये बिलाल के बाप के अंगूठे का निशान है। अब को जिन आएगा कि नहीं काबू में? वाह सरकार वाह, आ गया काबू में, क्या बात है। अब आप खुद देख लें बीबी जी, इतना ही काफी है। ये सब जानती थी? ये क्या कह रही हो तुम? आपको ये भी पहले से पता था कि मुराद रानी को घर लाने वाला है, और आपको ये भी पता था कि मेरे फ्रेंड्स को क्यों, कब और कैसे इस घर से निकाला जाने वाला है, और आप मुसलसल मुझे इस बात का यकीन दिलाती रही कि आप कुछ नहीं जानती। फरियाल तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपनी आंखों से अपनी गलत फहमी दूर करके आ रही हूं। क्या मतलब? जब खुशबख्त आंटी ने रानी का कमरा देखने को कहा तो आपने उन्हें कौन सा कमरा दिखाया था? रानी का सर्वेंट क्वार्टर? यह तो मुझे अब पता चला कि जिस कमरे को मैं स्टोर रूम समझती रही वो आपने दरअसल अपनी नई बहू के लिए सजवाया है। ये देखिए अपनी नई दुल्हन का शादी का जोड़ा जिसे आपने फॉरेन वार्डरोब में सजवा दिया, और एक आध दिन में आपकी छोटी बहू आप ही की मर्जी से उस कमरे में शिफ्ट भी हो जाएगी। क्या खूब खेल खेला है, बहुत खूब।
बहुत खूब। बड़ी मासूम लग रही है तुम्हारी बहू। मैं तो कहती हूं मुराद को हटा के इसे ही गद्दी नशीन बना देते। फेरी टेल, हर फेरी टेल में एक विकेट विच या एक इविल स्टेप मदर होती है। आ गई है तुम्हारी जिंदगी में भी। ये समेटो जल्दी से खाने के बर्तन। ना कुछ खा रही है ना पी रही है, बस एक ही जिद लगाई हुई है। क्या? खुद ही पूछ लो। देखो रिमशा, मैंने हमेशा तुम्हें दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेना सिखाया। सी, इसलिए तुम एक बेहतरीन डायरेक्टर, आई मीन डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर बनने की अहल हो। देखो बेटा, इस दरबार का गद्दी नशीं होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो लोग, वो खानदान जो पीरी मुरीदी के ताल्लुक से इस दरबार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके मामलात मेरी जिंदगी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जैसे तुम और तुम्हारी मामा। मैं चाहूंगी तो तुम लोगों से नजरें नहीं चुरा सकता। लेकिन उनके लिए आप हमें छोड़ सकते हैं। तुमसे किसने कहा बेटा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताएं पापा, इतने दिन हो गए आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कितनी बार पूछा, मामा से पूछा, आपसे पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने शादी कर ली और मामा तक को नहीं बताया आपने। आप उसे इस घर में ले आए फिर भी मामा को नहीं पता चला। मुझे आज पता चल रहा है, वो भी तब जब आप उसके साथ पूरी फैमिली के साथ अपना वलीमा सेलिब्रेट कर रहे थे। जवाब दे पापा, आंसर मी। इज दैट माय आंसर? या इट इज माय आंसर। निम्शा, प्लीज मेरी बात सुनो। मुराद प्लीज, एक बार फिर तुमने, शमा तुम यहां खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर निम्शा को संभालो, कहीं कुछ कर ना ले। और मुराद, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कितनी सेंसिटिव है? ये अभी थोड़ी देर पहले
तुमने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या हुआ, उसने सवाल किया और तुम लाजवाब हो गए? क्यों मुराद शाह, क्यों? God's sake, please. She's just a kid. मैं बाप हूं उसका, उससे इस किस्म की बात नहीं पूछ सकता। तुम मां हो, प्लीज उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, प्लीज। ओके, आई विल, आई विल। रानी, वो बड़ी माई साहब के लिए क्या बनाना है इस टाइम खाने में, बोल। मैं चलूं किचन में, नफीसा बीबी नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, वो नहीं नाराज होंगी, बड़ी माई साहब ने खुद बोला है। चल उठ। भाई तुमने उसे किचन में दाखिले पे पाबंदी क्यों लगाई? आपसे किसने कहा? कहा या नहीं कहा? कहा था। क्यों? अम्मी, हर बात मनमाने की नहीं होती, बस मुझे नहीं पसंद अपने काम में किसी की भी मदाखलत। ये तुम इतनी भप्पे कुटनी कब से हो गई? क्या भप्पे कुटनी? जो औरत बहू की अपने किचन में दाखिले पे खतरा समझती हो उसे भप्पे कुटनी कहते हैं। अरे वाह भाई वाह, मुझे पता होता बीमार होने पे इतना कुछ खाने को मिलेगा, मैं तो रोज ड्रामा करती भाई बेहोश होने का। अरे बैठो, अभी तुमसे मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, मैं कुछ खा पी लूँ फिर करती हूँ मैं तुमसे बात। लाओ भाई लाओ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको फ्रूट और सलाद ही खाना है। जल्दी दो जल्दी। उनके घर में खड़ा होकर उन्हीं की बहू के साथ फ्लड कर रहा था तू? आप कब से उनकी तरफदार हो गई हैं? अब बात तरफदारी की नहीं है, पूरे खानदान के सामने इमेज की बात है। आज इतनी मुद्दत के बाद उस खानदान के बीच सिर उठा के खड़ी थी मैं, पर तूने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा सिर चुकाने की। फिकर नॉट माँ जी, फिकर नॉट। अब सर झुकाने की बारी उनकी है। अब क्या करने वाला है तू? और पता चला है कि डेरे पे किसी पुलिस वाले की बड़ी खातर तवाजा कर रहा था। माँ जी, ये आपके लिए जासूसी करता कौन है? बात को टालना, सीधे से बता बात क्या है।
कैसा लगेगा आपको शाह मुराद जेल की सलाखों के पीछे? क्या क्या किया तूने? जस्ट वेट एंड वॉच। जी अम्मी, आपने बुलाया? भाई रानी के लिए कमरा तुमने सेट कराया है तो उसे शिफ्ट कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। बात तो बन गई है, फरियाल की झाड़ तो तुमने सुन ली है, अब हर्जी क्या है? बात सुनने या चुप रहने की नहीं है अम्मी, गलतफहमी हो जाती है इंसान को और कभी कभी वक्त पर भी छोड़ देना चाहिए ताकि इंसान को अपनी गलती का एहसास हो सके। अरे क्या जरूरत है एहसास दिलाने की, अगर अगले की गलती तुम्हारे मुफाद में जा रही हो। क्या कह रही है? रानी को देखा तुमने, कितनी सादतमंद बच्ची है। तो ये कि कदर करो उसकी। उसका बैकग्राउंड देखा आपने? मैं क्या, अपने वक्त को याद करो। अगर उस वक्त करम शाह मेहरबान ना होता तो। बस कर जाए अम्मी, दीवारों के भी कान होते हैं। आए हाय, मैं तो तुम्हें ये समझाना चाह रही थी कि नाशुक्री ना बनो। जब मजहब इजाजत देता है, पंचायत राजी है, खानदान वालों ने उसे बहुत तस्लीम कर लिया है, वो क्या कहते हैं ऑफिशियली, तो मैं और तुम कौन होते हैं आई नेमत को ठुकराने वाले? क्या मुहावरा बोल गई है कुले बहार, क्या दुआ दे गई है, तू तो नहाओ पू तो फलो। वाह 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 वाह, समझ रही हूँ ना नफीसा बेगम, पूतो फलने का मतलब ये कि जो फरियाल से नहीं मिला वो रानी दे सकती है तुम्हें, शाह मुराद को। वारिस इस खानदान का चश्मो चिराग दे ताली। अभी जो औलाद है वो तो संभाली नहीं जा रही। अरे रिमशा की बात कर रही हो, बच्ची है वो, उसका बिगड़ना भी कोई बिगड़ना है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, और कोई नादर मशवरा हो तो वो भी दे दें। एक दो मसलों से भी घर का सुकून गारत हो सकता है, दो चार बखेरे और पाल लेते हैं, सुलझते सुलझते सुलझ जाएंगे, आपका टाइम तो अच्छा पास हो जाएगा ना। ए बीबी, तुम्हारे भले की बात कर रही हूं, जब एक दिन मैं ना रहूंगी तो कौन समझाएगा तुम्हें अकल की बात? तो क्यों कर रही है अपना टैलेंट जाया? मुझे छोड़ें, जमाने भर का ही ठेका उठा लें, किसी टीवी चैनल पर बैठ जाएं, जुबैदा आपा से लोग बोर हो गए होंगे। तुमसे तो बात करना फजूल है, खड़ा नहीं। कैसे कर सकते हैं?
आप दोनों अलग तो नहीं हो जाएंगे ना? Not until the end of time. Promise me. Promise me. एक शर्त है. Condition. इसके लिए भी condition. Okay. मेरी बात गौर से सुनो।